अभी इस समय हैं जागेश्वर यात्रा में। जय बोल शिव शंभु। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 45 किलोमीटर दूर अभी हम आए हुए हैं। और देखिए जागेश्वर धाम, जहाँ यूँ तो साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन और महाशिवरात्रि पर यहाँ जन सैलाब उमड़ता है। जागेश्वर धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरम्भ हुई। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शिवलिंग पूजा से आरंभ का गवाह माना जाता है। इस धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। का नाम लिखा हुआ है तो मैं जय बाबू 17वां विशाल भंडारा बड़े बड़े जय भोलेनाथ शिव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आनंद स्वामी हरि हर स्वामी अंचित फल पावे ओम जय हर हर महादेव ओम तारा भोले पच्चीस मंदिर है पूरे कैंपस में जिसमें इस धाम का मुख्य मंदिर ज्योतिलिंग है। शिवलिंग नीचे से एक ही है, ऊपर से दो भागों में बटा है जी। बड़ा भाग भगवान शंकर का, छोटा भाग माँ पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप में है जी। उसके बाद दक्षिण मुखी हनुमान जी है, सिद्ध पीठ है हनुमान जी की। उसके बाद नीलकंठ बाबा जी आते हैं, उसके बाद सूर्य महाराज जी है, फिर नवग्रह है, उसके बाद सिद्ध पीठ माता जी की है, शेर में सवार माता जी है, महिषासुर मर्दिनी उनके बगल में सिद्धि विनायक गणेश जी हैं, दाहिनी छोर वाली एक बंबई में, एक आपको जागेश्वर में ही मिलेंगी। उसके बाद महामृत्युंजय बाबा है, कष्ट निवारण के लिए जो महामृत्युंजय जाप पाठ होते हैं, काल सर्प योग की पूजा होती है, उसका मुख्य स्थान है ठीक है। उसके बाद परिक्रमा पथ में केदार बाबा है, केदार जी। उसके बाद इन सब की प्रदक्षिणा करने के बाद लास्ट में बटुक भैरव जी के दर्शन करते हैं ठीक है। 125 मंदिर है, 125 मंदिर में 108 शिवलिंग है, भगवान शंकर के 108 नाम है, सत्र मंदिर अन्य देवी देवताओं के हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ का जी एवं पंडित जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश चंद भाट है जी। और ये देवदार वृक्ष आप देख रहे हैं, ये 1300 वर्ष पुराना वृक्ष जी, जी 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 ठीक है। ये भी अर्धनारीश्वर रूप में, बड़े भाग में भगवान शंकर है, छोटे भाग में माँ पार्वती है जी। इसके बगल में जस्ट में जाएंगे आप यहाँ पर जी, देखिए आप ये भी अर्धनारीश्वर रूप में, देखिए जी जी ये वृक्ष देख रहे हैं आप सामने, हाँ जी ये भी। और साथ में इनके साथ गणेश जी निकले हुए नेचुरल, हाँ जी आराम से देखिए हो जी, अभी तो कृपाल की वजह से ये देखिए हो नेचुरल गणेश जी निकले हुए हैं, हाँ जी हाँ। सिद्ध पीठ है, महामृत्युंजय जाप काल सर्पयोग की पूजा नवग्रहों की पूजा के लिए मुख्य स्थान है। प्रसाद की बीमारी किसी को होती है तो उसके निराकरण के लिए यहाँ पर महामृत्युंजय जाप पाठ करवाए जाते हैं, नवग्रह पूजा करवाया जाता है जी। उसका ये विशेष महत्व है। सावन के महीने में शिवलिंगों की पूजा होती है जी। न्यूनतम संख्या 108 है, 1100 सवा लाख तक शिवलिंगों की पूजा होती है अलग अलग कामना के लिए जी। मिट्टी के होते हैं सर्व सिद्धि के लिए, गोबर के होते हैं शारीरिक कष्ट निवारण के लिए, साठी चावल के होते हैं संतान प्राप्ति के लिए, धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए खोया या मक्खन की पूजा होती है। अच्छा हजारों लाखों की संख्या में ये पूजा होता है जी। ठीक है महाराज जी, ठीक है धन्यवाद जी, बहुत बहुत।